नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में बीते 24 घंटों में 8,900 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 217 लोगों की जान गई है, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,07,615 हो गई है, जिसमें से 1,303 लोग ठीक हो चुके हैं और कुल 5,815 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 1,01,497 हैं। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 72,300 हो चुकी है, जिसमें से 31,333 लोग ठीक हो चुके हैं और 2,465 लोगों की जान जा चुकी है। सक्रिय मामलों की संख्या 38,502 है। तमिलनाडु में कुल संक्रमितों की संख्या 24,586 हो गई है, जिसमें से 13,706 लोग ठीक हो चुके हैं और 197 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल राज्य में 10,683 सक्रिय मामले हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मामले 22,132 हो गए हैं, जिनमें से 9,243 लोग ठीक हो गए हैं और 556 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल सक्रिय मामले 12,333 हैं। गुजरात में संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 17,617 हो गया है, जिनमें से 11,894 लोग ठीक हो चुके हैं और कुल 1,092 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 4,631 सक्रिय मामले हैं, जिनका इलाज चल रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 63,78,237 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,80,251 हो गया है। इसके अलावा 3.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। यहाँ बीते 24 घंटों में 1,081 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,06,181 हो गया है, जबकि संक्रमितों की संख्या 18,31,821 है। अमेरिका के बाद कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित ब्राजील है। ब्राजील में बीते 24 घंटों में 1,262 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 31,199 हो चुका है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 5,55,383 है। रूस में संक्रमितों की संख्या 4,23,186 हो गई है, तो मरने वालों का आंकड़ा 5,431 है। इसके अलावा ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 40,000 के करीब हो चुकी है, जबकि 2,79,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।